मुख्तार अंसारी की याद में लगाई गई होर्डिंग हटवा दी गई है। लखनऊ में एसपी मुख्यालय के सामने लगाई गई थी ये होर्डिंग। एसपी के पूर्व प्रदेश सचिव राम सुधाकर यादव ने होर्डिंग्स लगाई मुख्तार अंसारी के निधन पर ईद न मनाने और ईद के दिन दो मिनट का मौन रखने की अपील की थी। पुलिस और नगर निगम की टीम ने होर्डिंग्स को हटवा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, मुख्तार अंसारी की याद में लगवाई गई होर्डिंग्स को हटा दिया गया है। लखनऊ में सपा मुख्यालय के सामने ये होर्डिंग्स लगाई गई थी और ये किसने लगवाई थी? ये पूर्व प्रदेश सचिव राम सुधाकर यादव ने होर्डिंग्स लगवाते हुए इस बात की अपील की थी कि मुख्तार अंसारी के निधन पर ईद न मनाई जाए और साथ साथ ईद वाले दिन दो मिनट का मौन भी रखा जाए। पुलिस और नगर निगम की टीम ने होर्डिंग्स को हटवा दिया है। एहतियातन इन होर्डिंग्स को हटवा दिया गया है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में ये जो पोस्टर लगा हुआ था उसे किस तरीके से हटा दिया गया है, जबकि हटाने से पहले ये पोस्टर किस तरीके से वहां पर लगे हुए थे, दोनों तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, कम से कम त्योहार वाले दिन, इस बात का पूरा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया और यही वजह थी कि पोस्टर्स को हटा दिया गया है। हम सीधा हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेंगे। अमित, क्या विजन दिखाई दे रहा है प्रशासन का इन पोस्टर्स को हटाने के पीछे? देखिए, जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तब से लेकर विपक्ष जो है लगातार मुख्तार अंसारी की मौत पर राजनीति करते आ रहा है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का एक गैंगस्टर का छवि था, तो वहीं विपक्ष जो है एक मसीहा के तौर पे उन्हें पेश मुख्तार अंसारी को एक पेश कर रही है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में है, आजमगढ़, मऊ, घोसी में पूर्ण मुस्लिम वोट बैंक पर विपक्ष की नज़र है और उन्हें लगता है कि मुख्तार अंसारी का इस तरीके से ब्रांडिंग करने से शायद विपक्ष जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके तरफ रुख कर लेगा। आज सुधाकर सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रदेश के पूर्व सचिव रह चुके हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगवा दिया समाजवादी पार्टी के बाहर और कहा कि ईद के दिन ईदगाह के बाहर दो मिनट का मौन जो है मुख्तार अंसारी की आकस्मिक मौत पर रखा जाए। जैसे ही प्रशासन को इस बाबत जानकारी मिली है, प्रशासन ने पोस्टर को हटा दिया ताकि किसी भी तरीके से कोई माहौल खराब ना हो पाए। जी,